दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। हाल ही में जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसने हिंदू और सिखों पर एक और अपना अत्याचार की तस्वीर दिखाई है। दरअसल जो हिंदू लोग रह रहे हैं अफगानिस्तान में, आपको बता होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज चल रहा है। अब जो अफगानिस्तान में जो तालिबान राज कर रहे हैं उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिसके कारण जो हिंदू लोग हैं और जो सिख लोग हैं वो अफगानिस्तान से भाग रहे हैं और भारत पहुंच रहे हैं। आपको बता होगा कि तालिबान जो है वो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर हैं, इसलिए उन्होंने अब नए फरमान जारी किए हैं। उन्होंने हिंदू और सिखों पर अपने नए कानून थोपे हैं। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है, तालिबान ने कहा है फरमान में अपने, कि जो हिंदू हैं वो अपनी दिवाली नहीं मनाएंगे और सिख लोग जो होते हैं वो लोहड़ी मनाते हैं। आपको पता होगा सिख लोगों में मनाया जाता है। अब कहा गया है जो हिंदू लोग हैं वो अपनी दिवाली नहीं मनाएंगे और जो सिख लोग हैं वो लोहड़ी नहीं मनाएंगे। और ये भी बोला गया है कि जितने भी महिलाएं हैं, जो भी महिलाएं अफगानिस्तान में रह रही हैं वो बुर्खा पहनेंगी, मतलब अल्पसंख्यक जितने भी अलग अलग धर्म के जो लोग हैं उन सभी को सिर से लेके पांव तक पूरे तरीके से ढके रहने के लिए कहा है, यानी बुरखा पहनने के लिए कहा है। अब ये सब देखकर जो भारत जो अफगानिस्तान की इतनी मदद करता है, आपको पता होगा कि भारत टाइम टू टाइम अफगानिस्तान में अनाज दवाइयां ये सब पहुंचाता रहता है। और आपको ये भी बताता हूँ कि जो तालिबान है वो नहीं चाहता है कि उसकी छवि खराब हो, इसलिए आपको याद होगा कि तालिबान ने कहा था कि जो भी अफगानिस्तान से भारतीय हिंदू गए हैं, जो भी सिख गए हैं वो वापस आ सकते हैं, देश में रह सकते हैं। लेकिन अब तालिबान ने अपनी असली रंग दिखाया है और धर्म के प्रति कट्टरता दिखाई है और अपने जो फरमान है, अपना जो नियम है वो लागू किया है दूसरे धर्म के लोगों पर, अल्पसंख्यकों पर। फिलहाल आप इसको लेकर क्या कहेंगे, जो अफगानिस्तान में ये जो तालिबान का जो नियम है आप उस पर क्या कहेंगे, आप अपने जवाब कमेंट्स में बताइएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत को इसके खिलाफ, अफगानिस्तान में जो तालिबान के जो रूल है, जो फरमान है, इसके खिलाफ क्या कदम उठाने चाहिए, आप अपने जवाब कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।